शीशे के उस पार बेंच पर बैठी ये लड़कियां कोई शोपीस नहीं, बल्कि श्रीलंका में उपजे हालातों के कारण अपना जिस्म बेचने को मजबूर हैं। शीशे के इस पार नौजवान, अधेड़ और बुजुर्ग उन्हें नजर भर कर देखते हैं और अपनी पसंद की लड़की चुनने के बाद फीस चुकाकर केबिन नुमा कमरे में चले जाते हैं। So, was it a happy ending? Yes, I'll come again. मध्यम रोशनी में शीशे के उस पार सजी दजी बैठी इन लड़कियों में कोई हायर एजुकेशन का सपना देखती है, कोई पत्नी है जो पूरे परिवार को पाल रही है, कोई अकेली माँ है जिस पर बच्चों की भूख मिटाने की जिम्मेदारी है। लेकिन श्रीलंका के मौजूदा आर्थिक संकट ने कई ऐसी लड़कियों को जिस्म फरोशी में ढकेल दिया है जो पहले अपने सपने संजो रही थी। यहाँ प्रोस्टिट्यूशन कानूनन प्रतिबंधित है। राजधानी कोलंबो में इसके लिए कोई खास इलाका नहीं है। उस जगह की पड़ताल की जहाँ स्पा और मसाज की आड़ में सेक्स वर्क हो रहा है। इस पड़ताल में सामने आया कि बड़ी तादाद में नई उम्र की लड़कियाँ शामिल हैं और पिछले कुछ महीनों में इन लड़कियों की तादाद बढ़ती जा रही है। आहट होते ही बेंच पर बैठी 21 साल की इशारा सतर्क हो गई। तिरछी नजरों से पहचानने की कोशिश कर रही थी कि कोई जान पहचान का तो नहीं है। इशारा ब्राइट स्टूडेंट थी, उसके कुछ सपने थे, लेकिन आर्थिक संकट की वजह से वो जिस्म फरोशी के बाजार की चौखट पर खड़ी है। मेरा भाई आर्मी में है पर उसकी कमाई से हमारा गुजारा नहीं हो पाता। कोरोना में मेरी नौकरी चली गई और पैसे भी खत्म हो गए। कहीं भी कोई काम नहीं मिल रहा था। मेरे परिवार में किसी को पता नहीं है कि मैं सेक्स वर्क करती हूँ। हालात खराब ना होते तो मैं कभी इस पेशे में नहीं आती। मेरे सामने बहुत मुश्किल हालात थे और मुझे समझौता करना पड़ा। हमने इशारा से परिवार, प्यार, जीवन के बारे में पूछा तो उसने एक लंबी चुप पी और आंखों में आंसू के साथ जवाब दिया, बस कुछ नहीं। इशारा जैसी करीब 40,000 लड़कियां श्रीलंका के स्पा सेंटर्स में सेक्स वर्क कर रही हैं, जिसमें आधी से ज्यादा राजधानी कोलंबो में ही हैं।